यूपी में आज और कल भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की। आपको बता दें कि गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। देखिए, बांदा, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव को भी लेकर चेतावनी दी गई है। इसी के साथ राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, शामली और मुजफ्फरनगर को लेकर चेतावनी है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा को लेकर चेतावनी दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर यूपी में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका जताई गई है। देखिए, बांदा, चित्रकूट, बस्ती, गोंडा, सीतापुर, उन्नाव और इसी के साथ लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, शामली, मुजफ्फरनगर को लेकर चेतावनी। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा को लेकर चेतावनी है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां पर यूपी में आज और कल आपको भारी बारिश देखने को मिल सकती है, इसके आसार बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। और देखिए, गरज चमक भी आपको देखने को मिलेगी। आकाशीय बिजली गिरने की भी जो है आशंका जताई गई है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। इसमें आपको बता दें कि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा को लेकर चेतावनी दी गई है। और इसी के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो ये बड़ी जानकारी, यूपी में आज और कल भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर चेतावनी दी है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जगह जगह से मेरे साथ बन चुके हैं। नरेश ठाकरे आगरा से मेरे साथ है, दीपक कानपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अनिकेत लखनऊ से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राम अवतार उपाध्याय आजमगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सीधा राजधानी लखनऊ का एक बार रुख करते हैं। अनिकेत मेरे सहयोगी वहां से बने हुए हैं। अनिकेत, देखिए, यूपी में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने की और गरज चमक की संभावना भी जताई गई है। फिलहाल इस वक्त राजधानी लखनऊ का मौसम किस प्रकार का बना हुआ है? अनिशा, देखिए, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मौसम के हाल की, तो कल रात से जिस तरह से लगातार जो बारिश देखने को मिली है, उसके बाद से जो गर्मी थी चिलचिलाती हुई, उससे तमाम जो प्रदेशवासी और राजधानी वासी उनको थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। हालांकि ये तस्वीर सिर्फ राजधानी लखनऊ की नहीं है अनिशा, बल्कि उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद है, उन जनपदों में जो अलग अलग जो स्थितियां हैं वो लगभग एक ही जैसी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए जो भारी बारिश का जो अलर्ट है, वो राजधानी लखनऊ भी उसमें शामिल है निशा। हालांकि अगर बात करें बीती रात से जो लगातार बारिश हुई है, उससे मौसम जरूर खुशनुमा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं विभागों के लिए एक जरूर चुनौती के रूप में ये समस्या उभर कर आई कि जो जल भराव की समस्या है निशा, वो साफ तौर पर देखने को मिल रही। हालांकि मौसम जरूर अभी कहीं ना कहीं थोड़ा राहत जरूर देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात करें बारिश थमने के बाद जो उमस होती है निशा, तो उस उमस को साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो राजधानी वासी वो महसूस कर रहे हैं। हालांकि जिसमें बारिश हो रही है तो थोड़ा राहत जरूर मिल रही है। वहीं अगर बात करें विभागों की, जैसा कि मैंने बताया कि जल भराव की जो समस्या है, वो राजधानी के अलग अलग कोनों से जो बात जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आने लगी है कि बहुत ऐसी जो गलियां, जो तंज गलियां, वहां पर जल भराव की समस्या है वो देखने को मिल रही है निशा। ठीक है, नरेश ठाकरे आगरा से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, देखिए, ताज नगरी में इस वक्त मौसम का हाल किस प्रकार का बना हुआ है? देखिए निशा, बिल्कुल आपको बताने चले कि मौसम विभाग ने लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दो दिन तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर आगरा की हम बात करते हैं, तो आगरा में अभी कहीं ना कहीं जो बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश के आसार देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा में जिस तरीके से कहीं ना कहीं भीषण गर्मी का जो प्रहार आगरा वासियों को परेशान कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो दो दिन पूर्व भी लगातार आगरा में दो दिन तक बारिश हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं कल बारिश नहीं हुई है, लेकिन आज जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं मौसम में लगातार सुबह से ही बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। लगातार बादल छाए हुए हैं, अगर कहा जाए तो हल्की रिमझिम कर कहीं कहीं जगह पर बारिश भी देखने के लिए मिल रही है। तो आगरा में जिस तरीके से मौसम का जो रुख बदल रहा है, वो कहीं ना कहीं आगरा वासियों के लिए एक खुशी का भी समय देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आगरा वासियों ने मई और जून के महीने में जिस तरीके से भीषण गर्मी का सामना किया था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आगरा वासियों को अब गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो अभी जो बारिश लगातार हो रही है, उससे किसी प्रकार का आगरा में कोई भी नुकसान देखने के लिए नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान भी काफी लंबे समय
समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं किसानों को भी अब काफी खुशी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि भीषण गर्मी के प्रहार के चलते किसानों की फसलों में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो बारिश हो रही है उसके बाद अच्छी खासी जो फसल है उनका एक फायदा देखने के लिए मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो बारिश के पानी के चलते फसलों में एक अगर कहा जाए तो फायदा हो रहा है, किसानों को भी कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों के द्वारा बताया गया है कि जिस तरीके से काफी लंबे समय से हम लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों को पानी की जरूरत थी, आगरा का कहा जाए तो आगरा का जो देहात क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं किसानों का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी मात्रा में हरी सब्जियों का उत्पादन होता है और यहाँ से कई बाहर की मंडियों में हरी सब्जियों को यहाँ से बेचने का जो किसान है वो काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से निशा अगर हम बात करते हैं तो मौसम विभाग ने कहीं ना कहीं दो दिन तक बारिश होने का जो अलर्ट जारी किया है उससे कहीं ना कहीं आगरा वासियों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने के लिए मिल रही है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भीषण गर्मी आगरा वासियों को परेशान कर रही थी, अगर अभी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मौसम में ठंडक के बादल छाए हुए हैं और हल्की रिमझिम कर कई जगहों पर बारिश देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आगरा वासियों ने अब राहत की सांस ली और लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से गर्मी ने परेशान किया था उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम ने अब बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, और वही अगर बात की जाए तो बारिश के मौसम में जिस तरीके से आकाश की बिजली गिरने का जो खतरा रहता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को अलर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि जिस समय पर बारिश होती है तो आप लोग खुले में ना निकले और अपने घरों के अंदर रहे। जी नरेश, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। मेरे सहयोगी दीपक भी कानपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कानपुर में मौसम को लेकर क्या है अपडेट? तरीके से गर्मी और कानपुर की जनता झेल रही, उसके बाद मानसून आया और बारिश हुई जिससे कि आम जनता को राहत मिली। देर रात लगातार जो है कानपुर में बारिश हुई, हल्की बारिश होते ही नगर निगम और प्रशासन की पोल खुलती नजर आई, जिस तरीके से रोडों पे जो है बरसात का पानी भर गया और जो रोडों पे गड्ढे थे पहले ही सरकार ने चेतावनी दी थी कि जो रोडों पे गड्ढे हैं उनको पूरा कर लिया जाए, भर लिया जाए, लेकिन नगर निगम के अधिकारी जो हैं वो लापरवाह बनते रहे और जगह जगह पानी भर गया। शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो काफी परेशान दिखे, जिस तरीके से रोडों पे निकल रहे हैं और पानी की वजह से गड्ढे समझ में नहीं आते हैं, तो जिससे कि कई बाइकें और कार सवार जो है गड्ढे में गिर भी जाते हैं और घुस भी जाती हैं। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो कहीं ना कहीं किसान जो थे वो लगातार मानसून और बारिश की संभावना जता रहे थे कि कितनी जल्दी बारिश होगी तो उनकी जो फसल है उसको जो है मुहैया कराई जाएगी। हालांकि जो धान की फसल है उसके लिए किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है तो लगातार जो किसान है वो अपने धान की फसल के लिए लगातार जो है काम करने लगे हैं और किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं, लेकिन शहर वासियों को काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले कहा गया था नाली नाले साफ हो जाए लेकिन प्रशासन जो है वो ध्यान नहीं देता। हल्की बारिश पहली बारिश हुई और प्रशासन की पोल खुल गई, हालांकि अब प्रशासन अलर्ट है, नगर निगम के जो लोग हैं वो लगातार शहर के नाली हो या नाला हो या गांव क्षेत्र के नाली नाला उनको लगातार साफ करने के कयास पर जुटे हुए हैं ताकि दूसरी जो बारिश हो तो लोगों को समस्याओं का सामना ना उठाना पड़े। निशा, चलिए ठीक है दीपक, वापस आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार आजमगढ़ में चलती हूँ जहां पर मेरे सहयोगी राम अवतार काफी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राम अवतार, क्या कह रहा है आजमगढ़ का मौसम इस वक्त? बिल्कुल निशा जी, मैं आपको बता दूं कि बादल तो छाए हैं लेकिन बारिश उस तरह की मानसून की बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिशें हो रही हैं। लोगों को जहां गर्मी से निजात मिल गई है तो वहीं अब लोगों की एक परेशानियां और लोगों के सर पे सामने खड़ी हो गई है आकर के, जो कि नगर पंचायत की जो नालियों की व्यवस्था है, जितनी भी नगर पंचायतें आजमगढ़ में है सभी लगभग जल जमाव की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। और निशा जी आपको बता दूं कि जब भी इस तरह की बरसात का मौसम आता है उसके पहले 4 महीने पहले से लोग प्रतिदिन एक नई योजना के साथ वादे करते हैं, अधिकारी यो वादे करते हैं, ये कहते हैं कि आप यहाँ की जो नगर पालिका है नगर पंचायत है यहाँ की जल जमाव की समस्या से दूर निजात मिल जाएगी, लेकिन निशा जी आपको बता दूं कि हल्की बारिश अभी बारिश ने तो आप देख सकती हैं मैं कि खुले आसमान में खड़ा हूँ झिमझिम झिमझिम की बारिश हो रही है, लेकिन आज जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है जो कि गर्मी से लोगों को जहां हल्की निजात मिली है, अब काफी मानसून में उमस भरा है इस समय क्योंकि हल्की बारिश हो रही है, बारिश जब पूरी हो जाएगी तब लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ ठंडी हवा है लेकिन अभी गर्म हवा है, कब झिमझिम बारिश हो रही है तो तुरंत मानसून में तपन आ जा रही है जिसे धूप छांव का खेल चल रहा है। लेकिन निशा जी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही है कि जो हल्की बारिश में अगर अभी जल जमाव हो रहा है तो आगे जब मानसून की बारिश होगी तो कितना जल जमाव होगा, सड़कों पे पानी लग जा रहा है, गांव गिराव में सड़कों पर पानी लग जा रहा है,
जहाँ की पूरी व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं नगर पंचायत और नगर पालिका की चरमरा सी गई है, और हर कोई बस यही कह रहा है कि ये तो हर साल की कहानी है, फिर वही कहानी याद आई कि तर्ज पर हर साल यही हो रहा है कि नगर पालिका और नगर पंचायत पानी निकालने की बात, बिजली चमकने से जहाँ काफी लोग परेशान है, तो वही बिजली की समस्या भी आ जा रही है, बिजली में भी फॉल्ट आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की एक परेशानियां तो दूर हुई, जो हीटवे की परेशानी चल रही थी, गर्मी की परेशानी चल रही थी, लू की परेशानी चल रही थी, उससे थोड़ी निजात मिली है, तो जल जमाव की परेशानी शुरू हो गई है और जल निकासी को लेकर के पूरी झमाझम बारिश ने लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत दी है, तो वहीं देखिए जगह जगह पर जल भराव की स्थिति भी यहां पर देखने को मिलेगी। फिलहाल आप सभी इस वक्त हमारे साथ बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे मौसम को लेकर, क्या और जो है समस्याएं लोगों को देखनी पड़ रही है, किन किन समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, आप लोगों से लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के फोन हासिल होता है। अर्चली ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे सहयोगी लगातार जगह जगह से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर राजधानी लखनऊ का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी वहां से अनिकेत मेरे साथ बने हुए हैं। अनिकेत देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो ऐसे में जो है मौसम में हल्की हल्की से क्या बहुत ज्यादा जो है उमस महसूस की जा रही है, कितनी उमस यहाँ पर महसूस की जा रही है, और इसी के साथ देखिए लगातार बारिश जिस वजह से हो रही है और यहाँ पर जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है, कहीं कहीं ना कहीं नगर निगम की भी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। देखिए निशा, अगर बात करें राजधानी लखनऊ की, तो हालांकि बैठकों का दौर पहले ही मानसून के आने से पहले हो चुका था और मंडलायुक्त ने पहले ही बैठक करके दिशा निर्देश दिए थे कि जितने भी जो जो नालियां हैं, जो नाले हैं, उनको पूरी तरह से साफ कर दिया, जितने भी सिल्ट हैं उनको साफ कर दिया जाए, ताकि जो जलभराव की समस्या है वो ना हो, पूरी तरह से शहर में जल की जो निकासी है वो देखने को मिले। हालांकि अगर बात की जाए तो जल संचयन को लेकर भी लगातार जो नई प्रणाली है जिसको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहते हैं, जिसको लागू करने के लिए और लगाने के लिए सभी विभागों को और यहाँ तक कि जो प्राइवेट संस्थान है वहाँ पर भी लगाने के लिए जो निर्देश है वो शासन की तरफ से जारी हो चुके हैं। हालांकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो आसमान से जो वर्षा जो होती है मानसून के समय में, उस पानी को भी संचय किया जा सके, उसके साथ ही जो निकासी जो समस्या है शहर में उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, उसको लेकर जो बैठक थी वो की गई थी। और बात करें अगर निशा बीते दिन की, तो जो नगर विकास मंत्री है वो भी निकले थे सड़कों पर, उन्होंने निरीक्षण किया था तमाम नालों का और ये पाया था कि तमाम जो नाले हैं वो पूरी तरह से अभी भरे हुए, उनकी सफाई नहीं हुई। तो साफ तौर पर जब तेज जब बारिश होगी, जब मानसून पूरी तरह से अपने जोर पर होगा, तो जो शहर है वो कहीं ना कहीं जलमग्न होता हुआ नजर आएगा। हमने तस्वीरें देखी भी हैं कि बीते जब साल में जब मानसून जब आया था, तो चाहे 1090 हो या फिर अम्बेडकर पार्क के आसपास का जो इलाका, जो वीवीआईपी इलाका कहा जाता है, वहाँ भी जल भरा हो जाता है। यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पांचकाली दास मार्ग जो आवास है उसकी चंद कदम की दूरी पर जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर जल भराव की समस्या हर बार देखने को मिलती है। तो ये कुछ चुनिंदा जो वीआईपी जो जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो जल भराव की समस्या है वो देखने को मिली है विगत सालों में। हालांकि अगर बात की जाए इस बार, तो इस बार कहीं ना कहीं बड़ी बैठकें की गई हैं, पूरा रोडमैप तैयार किया गया है नगर निगम की तरफ से, जो नगर आयुक्त है इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करी थी और पूरी तरह से निरीक्षण करके ये सुनिश्चित किया है कि अगर मानसून पूरे वेग से अगर आता है और बारिश तेज होती है, तो जल भराव जो समस्या है शहर में वो ना देखने को मिले और पूरी तरह से जल निकासी है वो सुचारू रूप से संचालित हो पाए, उसको लेकर जो बैठक है वो लगातार देखने को मिले। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं विभागों के लिए बड़ी चुनौती जरूर होगा निशा, क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने ये पूरी तरह से ये चेता दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ में जो मानसून है वो अपनी दस्तक देता हुआ नजर आएगा और तेज जो वर्षा है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। हालांकि जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस बारिश के समय में जब बारिश जब थमती है, तो कहना कि हवा न चलने की वजह से जो जो वातावरण में जो उमस है निशा वो साफ तौर पर महसूस होती है और कहना कि जो जो पसीना जो वो लगातार कहीं ना कहीं लोगों को आता है, क्योंकि हवा पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो जो नमी है जो मौसम में वो साफ तौर पर देखने को मिलती है, जो उससे जो उमस जो कहीं ना कहीं पैदा हो रही है मानसून में वातावरण में आसपास, वो लोगों को खासा परेशान जरूर कर रही है। हालांकि मौसम विभाग का ये अनुमान है कि आने वाले एक दो दिन के अंदर पूरी तरह से मानसून अपने जोर पर होगा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों समेत राजधानी लखनऊ में तेज बारिश देखने को मिलेगी और जो चिलचिलाती जो गर्मी थी निशा, जिससे लोग खासा परेशान हो रहे थे, जो हीट वेव जो लगातार चल रही थी जिससे लोग खासा परेशान थे, तमाम जो दिहाड़ी जो कामगार जो मजदूर है वो लोग, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई जरूर अब नजर आ रही है। ठीक है, चलिए नरेश ठाकरे भी आगरा से मेरे सहयोगी बने हुए हैं। नरेश देखिए जिस तरीके से बात कर ली जाए, वही जल भराव को लेकर एक बार फिर जो है
जिस तरीके से लगातार जलभराव हो रहा है, और आगरा में अगर खासकर बात करी जाए तो आगरा के वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है? क्योंकि देखिए, इससे खासकर जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें ऑफिस जाना रहता है और ऐसे में जलभराव की स्थिति उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी रहती है। नरेश, देखिए निशा, बिल्कुल आपको बता चले कि आगरा में जिस तरीके से जो पहली बारिश हुई थी, पहली बारिश में कहीं ना कहीं आगरा के एमजी रोड कहीं ना कहीं जलमग्न होता हुआ दिखाई दिया था। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आगरा का जो मुख्य चौराहा है बिजली का, वहां पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके से जलभराव होता है कि वहां पर लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आगरा में पहली बारिश में कई तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जहां पर अच्छा खासा जलभराव देखने के लिए मिला था। साफ आदेश होता है कि बारिश के मौसम से पहले कहीं ना कहीं जो नाले होते हैं या नालियां होती है उनकी सफाई कराया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश होने के बाद में जब जलभराव होता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन की जो लापरवाही है उसकी पोल खुलती हुई सामने आती है। आगरा में भी कुछ तस्वीरें ऐसी देखने को मिली, लेकिन जब बारिश होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासन के अधिकारी जो कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो जागते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो सफाई का काम है उसे शुरू कराया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हम और आप देखते हैं कि लगातार जो बारिश होती है, बारिश से पहले ही अधिकारियों की साफ आदेश होती है कि नालों की सफाई करा जाए जिससे कि शहर में जल भराव की समस्या ना उत्पन्न हो, लेकिन कहीं ना कहीं आगरा शहर में लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने 2 दिन का बारिश होने का जो अलर्ट जारी किया है, तो ऐसे में जिस तरीके से आगरा शहर में जो जल भराव की समस्या है, ऐसे में अगर लगातार बारिश होती है तो कहीं ना कहीं आगरा वासियों को एक बार फिर से जल भराव की जो समस्या है उसका कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आगरा में हर साल ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बारिश होते ही कहीं ना कहीं आगरा शहर की जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो जाती है, और इसलिए अगर लापरवाही की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार जो है वो प्रशासन होता है, क्योंकि साफ ये आदेश होता है कि नालों की सफाई कराई जाए, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी लापरवाही साफ बारिश के मौसम में देखने के लिए मिलती है। निशा, ठीक है, चलिए, कानपुर से भी दीपक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं इस बारिश ने लोगों को राहत की सांस जरूर दी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार चिलचिलाती धूप पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस मिली है। लेकिन देखिए, इस बारिश के दौरान गरज चमक भी देखने को मिल रहा है, कहीं जगह से खबरें हैं कि बिजली गिर रही है और कई लोगों की मौत भी इससे हो रही है, क्या कानपुर से ऐसी कोई खबर सामने आई है? बिल्कुल निशा, आपको बता दें जिस तरीके से बारिश से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन बारिश होती है इसके बाद बंद हो जाती है तो उमस से लोग भी परेशान हैं, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से कानपुर में अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। हालांकि जो घटनाएं हैं वो पानी भर जाने की समस्याएं निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि नगर निगम और जिला प्रशासन जो है वो लगातार लगा हुआ है आगे की व्यवस्था, क्योंकि मानसून ने पहले ही अलर्ट कर दिया है कि कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है 2 दिन के अंदर। लेकिन कानपुर के जो नगर निगम अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, वो लोग लगातार लगे हुए हैं, रोडों पर जो गड्ढे हैं उनको भराया जा रहा है, जो नाली नाला है वो जो पानी निकासी होती है उनको जो है लगातार साफ कराया जा रहा है, ताकि जो भारी बारिश हो तो पानी जो सुचारू रूप से निकल सके, ताकि शहर में पानी के का जल भराव ना हो सके और आम जनता को परेशानियों को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आकाशीय बिजली गिरने से कानपुर में अभी ऐसी कोई घटना नहीं आई है। हालांकि जिस तरीके से देर रात में बारिश हुई और इसके बाद बारिश बंद हो गई, तो कानपुर का मौसम की अगर बात करें अभी की, तो धूप छाया बनी हुई है और उमस से लोग परेशान है। जी सर, ठीक है, चलिए, ऐसा लग रहा है कि आजमगढ़ में बारिश शुरू हो चुकी है, क्योंकि मेरे सहयोगी छाता लेकर अब से थोड़ी देर पहले मुझे नजर आ रहे थे। राम अवतार, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए जल भराव जो है एक बड़ी समस्या इस वक्त बना हुआ है, लेकिन अगर आजमगढ़ की बात करें तो कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है? कहीं ना कहीं ये जल भराव नगर निगम की भी पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निशा जी, आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर जब खबर चल रही है तो बारिश भी थोड़ी तेज हो गई, शायद इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं। लेकिन आपको बता दूं निशा जी कि नगर पंचायत की बात अगर हम करते हैं तो आजमगढ़ के जितनी भी नगर पंचायत हैं, नगर पालिका हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बताया, एक बार फरमान जारी किया था कि सारे नगर पंचायत में और नगर पालिका में जो भी हो ना, पूरी नालियों को साफ सफाई हो जाए, बरसात में किसी भी प्रकार की जनता को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसके लिए अधिकारी भी बैठक करते हैं, मंत्री से लेकर संतरी तक अगर निशा जी बात करें तो सभी लोग वादे तो करते हैं कि हाँ पूरी तरह से नालियां साफ हो जाएंगी, जल भराव की समस्याओं से जनता को निजात मिल जाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत पे अगर हम जाएंगे निशा जी, तो हकीकत बता दूं कि आजमगढ़ के मुबारकपुर हुआ मेन शहर आजमगढ़ नगर पालिका जो है, रोडवेज की बात करें तो रोडवेज में स्थिति यह है कि नालियां भर जाती हैं। मुबारकपुर में हो, जहानागंज को ले लीजिए, सड़कों पर पानियां बहते हैं, सरायमीत को ले लीजिए, फूलपुर को ले लीजिए, त्रौलिया को ले लीजिए, महाराजगंज ले लीजिए, यानी 13 नगर पंचायतें हैं जो भी सब पूरी तरह से नगर इस मानसून में पूरी तरह से हल्की बारिश में ही झोंक ले लेती हैं नालियां, और जो सड़कों पे गंदा पानी बहने लगता है जिससे कि मच्छरें उत्पन्न होती हैं और लोगों को परेशानियां होती हैं,
बीमारियां फैलती हैं, लेकिन मंत्री से संतरी तक जिस तरह से एसी के कमरे में बैठ करके फरमान जारी करते हैं, उसका असर जमीन पर नहीं दिखता है निशा जी, और जनता हमेशा परेशान रहती है। अब हम गांव गिराव की अगर बात करें तो गांव गिराव में भी स्थिति यह है कि हल्की बारिश नहीं हो गई कि सड़कों पर पानी लग गए, लोगों के नालियां गांव में बहने लगती है, गांव में जाने के लिए परेशानियां उठानी पड़ती हैं, मानो गांव की सड़कें तालाब बन जाती हैं। हाँ, किसानों को थोड़ी खुशी की है चेहरे पर, कारण कि उनकी धान की फसल है, अब वो रुपाई भी कर सकते हैं, अपनी फसल कर सकते हैं, लेकिन एक सवाल बड़ा बुलंद है कि आखिर मंत्री से लेकर संतरी तक जिस तरह से एसी के कमरे में आए दिन फरमान जारी करते हैं, उसका आखिर जमीनी धरातल पर हकीकत क्यों नहीं दिखता है? यह बड़ा सवाल है जो लोगों के दिलों में कौतूहल कर रहा है, और इसी का कारण है कि आम जनता परेशान रहती है, और जो अधिकारी से हैं वो एसी के कमरे में बैठ करके बस लोगों को त्रस्त बने रहते हैं। अगर कोई इस समस्या को लेकर के निशा जी इनके पास जाता है, बड़ी मजे की बात यह है कि ये मुस्कुरा कर कहते हैं कि ठीक है जाओ हम कल दिखवा लेते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं से निजात नहीं मिल पाता है, इसे लेकर के हर कोई परेशान है। और अब देखना यह है कि इस मानसून में आखिर कितने अधिकारियों के जो फरमान है, जो आदेश है, उसका धरातल पर दिखाई देता है। फिलहाल हल्की बारिश ने तो इनके सारे पोल खोल दिए हैं और इनके सारे फरमान को पानी में जैसे बहा दिया गया है, इस तरह की बातें आ रही हैं। जी निशा जी, ठीक है, चलिए मेरे सहयोगी लखनऊ से भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिकेत, देखिए एक बार जल्दी से अपडेट दे दीजिए कि कौन कौन से जिले हैं जिन पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। देखिए निशा, अगर बात की जाए भारी बारिश से जो अलर्ट की, तो लखनऊ है, लखीमपुर खीरी है, कानपुर है, चित्रकूट है, ये तमाम जो जिले हैं निशा, तो इन जिलों को कहीं ना कहीं अलर्ट के मोड पर रखा गया, और मौसम विभाग ने ये बताया कि आने वाले दो दिनों के अंदर जो भारी बारिश है वो देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए अलर्ट के जिलों में, तो राजधानी लखनऊ भी इसमें शामिल है, और उसको लेकर अगर बात की जाए निशा, तो कहने के जो मंडलायुक्त, उन्होंने साफ तौर पर बैठक पहले ही कर ली है, और जैसा कि मैंने बताया कि जो नगर विकास मंत्री है उन्होंने भी निरीक्षण कर लिया लखनऊ का, कि जो भी जो नाले हैं, जो भी नालियां हैं वहां पर ये सुनिश्चित हो जाए कि पूरी तरह से नालों की सफाई हो जाए, क्योंकि जो अलर्ट है वो साफ तौर पर बताया गया मौसम विभाग की तरफ से कि लखनऊ में भी भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर वीआईपी मूवमेंट रहता है लखनऊ में, तमाम जो मंत्री हैं वो लखनऊ में रहते हैं, विधानसभा सत्र लखनऊ संचालित होता है, खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ निशा लखनऊ में रहते हैं, तो ऐसे में कहने के तमाम वीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए जब अगर मौसम अगर अपने जोर पर आता है और तेज बारिश अगर देखने को मिलती है, तो लखनऊ में कोई जलभराव की समस्या ना हो निशा, इसी प्रकार कोई वीआईपी मूवमेंट कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि देखने को मिलता है कि रोजाना कोई ना कोई नया वीआईपी मूवमेंट देखने को मिलता है, तमाम जो प्रोग्राम है वो लखनऊ में होते हैं, तो उन किसी प्रोग्राम पर कोई अड़चन ना आए, कोई प्रोग्राम बाधित ना हो, तो साफ तौर पर अलर्ट को देखते हुए जो तैयारियां हैं वो पहले सुनिश्चित कर ली गई, और तमाम जो अधिकारी हैं वो सड़कों से लेकर अपने दफ्तरों तक बैठक कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर तेज मानसून के आने के बाद में अगर तेज बारिश अगर होती है, तो साफ तौर पर जो जलभराव की जो समस्या है वो निशा राजधानी लखनऊ में देखने को ना मिले, क्योंकि जलभराव के साथ साथ एक समस्या साफ तौर पर उभर कर आती है। वापस आपके पास मैं लौटूंगी। नरेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे में देखा होगा कि आपने नुकसान भी जो है काफी देखने को मिलता है, और खासकर देखिए बिजली की कटौती इन दिनों ज्यादा देखने को मिलती है, तो ऐसे में आगरा में कितने घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है, क्योंकि बारिश होती है बिजली चमकती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बिजली जरूर जाती है, तो बिजली की कटौती कितनी देखने को मिल रही है नरेश आगरा में? देखिए निशा, बिल्कुल अगर हम आगरा की बात करते हैं, जिस समय पर कहीं ना कहीं आगरा में जोरदार बारिश होती है, करीब तकरीबन 5 से 6 घंटे बिजली को काटा जाता है, क्योंकि जब बारिश के समय पर अगर बिजली को नहीं काटते तो ऐसे में कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावना लगातार बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके जब आगरा में बारिश का मौसम आता है और बारिश शुरू हो जाती है, वो उसके बाद ही कहीं ना कहीं बिजली को जो काटा जाता है, उसके बाद अगर कहा जाए तो आगरा वासियों को कहीं ना कहीं एक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन जिस तरीके पर तेज बारिश होती है उसके बाद बिजली को काटा जाता है, क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं जिस समय पर बारिश होती है अगर बिजली को नहीं काटते उस समय पर कई बार ऐसे हादसे होते हैं जिनका कहीं ना कहीं एक नुकसान मुझे देखने के लिए मिल रहा है। तो आगरा में जिस तरीके से बात की जाए तो बारिश के समय पर बिजली को प्रशासन के द्वारा काटा जाता है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अधिकारियों को साफ आदेश दिया गया है कि जिस समय पर अगर बारिश हो उस समय पर बिजली को काटने में ही एक बेहतर फायदा होती है, क्योंकि कई बार ऐसे हादसे होते हैं जिसमें की लोगों की जान तक निशा चली गई है। ठीक है, चलिए कानपुर से भी मेरे सहयोगी बने हुए दीपक, देखिए जिस तरीके से लगातार चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, गर्मी का सितम देखने को मिल रहा था, उस बीच इस बारिश का होना, फिलहाल ही प्री मानसून की बारिश है, लेकिन इस बारिश से कहीं ना कहीं लोगों को राहत की सांस मिली है, ऐसे में मौसम सुहावना हो गया है, लोगों का क्या कुछ कहना है सुहावने मौसम को लेकर?
जी बिल्कुल निशा, जिस तरीके से भीषण गर्मी से लोग परेशान थे और बारिश होने के बाद जो है लोगों के चेहरे जो है खिल उठे हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के प्रकोप वो झेल रहे थे। कानपुर वासियों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि बारिश होने से जो है गर्मी से बेहतर राहत मिली और हल्की बारिश हुई है, लेकिन उन्होंने जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों पर जरूर सवालिया निशान खड़े किए हैं कि अगर समय रहते वो अपना कार्य सही से कर लें तो जल भराव की जो स्थिति होती है वो ना हो वाला। लगातार जो अधिकारी हैं वो अपना आदेश जारी कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी अब कानपुर की गलियों पे दिख रहे हैं, रोडों पे दिख रहे हैं, वो सुचारू रूप से काम अपना कर रहे हैं ताकि दो दिन के बाद जिस तरीके से मानसून आने वाला है, भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, तो उसको लेकर वो साफ सफाई कर रहे हैं। कानपुर वासी काफी खुश है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा किसान के चेहरे खिले हुए हैं, वो अपनी धान की फसल की रुपाई जो करनी है उसको लेकर वो तैयारियां कर रहे हैं और लगातार ये सोच रहे हैं कि बारिश ज्यादा तेज हो जिससे कि धान की फसल जो है अच्छी हो सके। तो कानपुर वासियों में राहत भरी सांस ली और लगातार चाहे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हों या शहरी क्षेत्र के लोग हों, उनको राहत भरी सांस मिली है और लोग जो है खुशी मना रहे हैं कि दो दिन की बारिश होने हैं तो तेज बारिश हो जिससे कि राहत और भी ज्यादा लोगों को मिले। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप चारों हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी बारिश को लेकर इस वक्त किस प्रकार के हालात जो है देखने को मिल रहे हैं, किस प्रकार से जलभराव देखने को मिल रहा है, नगर निगम की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, तमाम अपडेट्स आपने मौसम को लेकर हमें दिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का, आप चारों हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के फोन हाजिर होता है।